हाँ सही तो है। हाँ रात का बच्चा देख के डर जाएगा। सही है, उनका भी ऐसे घुसा दीजिए दूर। मैं तो ऐसे भाई मेरे को बनाने आ रहा था। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड, ये तीज के दिन का ही ब्लॉग है। तो ये मैंने जब एक ब्लॉग भी डाला था जिसमें कि मैं तैयारी वारी कर रही थी तीज की पूजा करी, मैंने फल वगैरह धुल लिया था। और फल वल धुल लेने के बाद, पूजा की थाली सजा लेने के बाद, चीटिंग करके कराया ना, मैं ऊपर आ गई हूँ। तो यहाँ पर ना, हम लोगों के यहाँ पे तीज में मिट्टी, जो मिट्टी होती है, मेरे हाथ में देखिए कितनी सनी हुई, मेरे हाथ मिट्टी से। तो मिट्टी से भगवान जी को बनाते हैं, उनका आकार देते हैं। तो यहाँ पर मैं शिवलिंग बना रही हूँ और ये नाग देवता है, उनके ऊपर से लगा रही हूँ। तो अभी ये शिवलिंग भी बनेंगे और उसके बाद फिर एक भोले जी की मूर्ति बनेगी, जिसमें कि ये तो शिवलिंग है और एक जो भोले बाबा की मूर्ति होती है वो बनेगी, और एक पार्वती माता बनेंगी, गणेश भगवान बनेंगे, और एक जो उनके क्या बोलते हैं, उसके नौकर चाकर जो होते हैं वो। तो इसी टाइप से मिट्टी की सारी चीज़ें बनेंगी। तो मुझे बनानी तो आती नहीं है, बस मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। तो बड़ा मतलब अच्छा लगता है। पिछली बार मैं मार्केट से लेकर आ गई थी, तो लेकिन मार्केट से लाने में मतलब लेकर आने में उतना मज़ा नहीं आता। कोई भी चीज़ हम जब खुद करते हैं तो भगवान जी भी खुश होते हैं, भगवान जी उसमें हमारी श्रद्धा देखते हैं। हम मार्केट से तो ला के सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये होता है ना, जो ईज़िली लेकर ईज़िली मिल जाता है, तो भगवान भी सोचते हैं, ये देखते हैं कि हमारे लिए कौन कितनी श्रद्धा है किसके अंदर और कितना कुछ कर सकता है कि नहीं। हर चीज़ पैसों से नहीं तोली जाती है, कुछ ना खुद से भी करने में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है। तो देखिए यहाँ पर मैं, मतलब मैं और एक मेरी जिठानी, हम दोनों मिलके बना रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे और बना रहे थे यहाँ पे। तो भी टाइम लगने वाला है बहुत सारा, और पूजा का वैसे टाइम होने को है, हो गया है, बहुत लोगों ने तो पूजा भी कर लिया है, और हमने नहीं किया अभी। तो मैं अभी जल्दी जल्दी से कर, बस ये मूर्ति बनाने के बाद बस मुझे नहाना है, मुझे तैयार होना है, क्योंकि नहा तो मैं रखी हूँ, बस मुझे तैयार होना है। बाकी सब कुछ मैंने कर रखा, तभी जाऊँगी पहले यहाँ पे मूर्ति सारी बना लूँगी, बना के रख लूँगी। और मैं देख रही थी कैसे कैसे बनाती है, क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं है ना, तो उनको ही फर्स्ट टाइम देखा था बनाते हुए, तो सीख रही थी। और साथ में मैं बना भी रही थी, जितना मेरे से हो पा रहा था वो मुझे बता रही थी कि ऐसे ऐसे ये बनाना है। छोटी छोटी चीज़ें मैं बना रही थी, बाकी मूर्ति तो वो खुद ही बनाई थी। एक्चुअली ना मिट्टी अच्छी नहीं थी, मिट्टी अगर अच्छी मिलती ना, चिकनी वाली, तो अच्छी चीज़ बनती है। तो बिल्कुल ऐसी वाली रेतीली मिट्टी है, टूट जा रही थी बार बार। तो अगली बार से देखूंगी, ये मिट्टी शायद बेचने भी आता, मैंने देखा नहीं था, तो अगली बार से ना खरीद के रख लूँगी मिट्टी चिकनी वाली, बनाने के लिए। बच्चे वगैरह आते हैं बेचने के लिए, तो वो मिट्टी मैं लेकर रख लूँगी, फिर बनाऊँगी आराम से अच्छे से। तो अब देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है और बनके। तो मैं यहाँ पर ये कपड़ा काट रही हूँ पटले पे बिछाने के लिए, आसन के लिए। इसके लिए भी नया कपड़ा होता है लाल कलर का। तो ये मेरे पास ये लाल कलर का तो कपड़ा था, उसको मैंने इसी को मैंने काट लिया है यहाँ से थोड़ा सा। और इसी को मैं बिछा दूंगी पटले पर, क्योंकि ये जो कपड़ा है वो कड़वा हो जाएगा, इसलिए मैं सोचा ज़्यादा किस लिए बिछाऊंगा ना, जितना काम में मतलब पटले पे आ जाएगा उतना ही बिछाऊंगी। वैसे मैं सारा ही बिछाने वाली थी, लेकिन फिर मेरे को ध्यान आया कि मैं सारा नहीं बिछाकर सारे जितना मुझे काम में आएगा ना उतना ही बना लेते हैं। छोटी चौकी होती है पूजा वाली, उसी पर बनाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर बन चुका है सब कुछ, यहाँ पर शिवलिंग, भोले बाबा, नंदी और गणेश जी की सवारी, चूहा वगैरह सब कुछ। तब मैं जा रही हूँ नीचे फटाफट से तैयार होने के लिए, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं रेडी होने के लिए, नहीं तो फिर ज़्यादा ही लेट हो जाएगा। हम लोग ऑलरेडी वैसे भी लेट हो चुके हैं। पूजा का मुहूर्त वैसे दो बजे तक का ही था, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे 2 बजे का है, कुछ लोग कह थे शाम तक का है, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं, मतलब अपनी धीरे धीरे करके अपनी तैयारी शुरू कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ महाबर अपने पैरों में,
तो प्लीज़ आपको ज़रा सा भी मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, आप शेयर भी कर सकते हैं, और प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरे मुझे बहुत ज़्यादा आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है, और कमेंट तो ज़रूर करिएगा, जब आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोग के कमेंट पढ़ के अच्छे अच्छे कमेंट करा करिए। तो यहाँ पर देखिए मैं हंस रही हूँ किसी बात के लिए, और मैं यहाँ पर महावर लगा रही हूँ तो चिढ़ा रहे थे यहाँ पर मेरे भांजे थे ना, वो चिढ़ा रहे थे कि पैरों में कलर लगा रही थी इसलिए तो मैंने बोला ये सुहाग की निशानी होती है, इसको हर एक जो मैरिड लेडीज़ होती है वो हर रोज लगाती है, तो मैं तो ऐसे भी लगाती हूँ, हमारे पहले आती थी कलर लगाने वाली लेकिन अब नहीं आ रही हैं। एक्चुअली ऐसा होता था ना कि वो ना डेली आ जाती थी एक दिन छोड़ के, तो एक दिन छोड़ के ना पैरों से कलर तो उतरता भी नहीं है, तो इसलिए मैंने हम लोगों ने बोला कि हम या तो आप फेस्टिवल पे आया करो, तो वो फेस्टिवल पे फिर आना ही बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि हम लोग यहाँ पे चाहे ऐसे आए चाहे ना लेकिन फेस्टिवल में ज़रूरी होता है इसको लगाना, कोई भी व्रत हम लोग रखते हैं तो इसको लगाते हैं महावर को, बस बिल्कुल सिंपल ही से ही महावर लगाऊंगी, पैरों में कोई डिज़ाइन भी ज़्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि लेट तो मैंने आपको बता ही दिया था कि मैंने सारा कुछ तैयार कर रखा है, कोई मतलब बस मुझे कपड़े पहनने और ज़्यादा रेडी होने में ज़्यादा टाइम तो वैसे लगाती नहीं, क्योंकि मेकअप तो आपको पता ही है मुझे, मैं क्या मेकअप करती हूँ, मुझे इतना मेकअप भी नहीं आता है, तो बिल्कुल सिंपल सा ही मेकअप करती हूँ मैं, जो एक क्रीम लगा लिया उसके ऊपर से हल्का सा, हाँ वही क्रीम लगाने के बाद लिपस्टिक लगा ली, बिंदी लगा ली और थोड़ा बाल बना लिया, बस यही है मेरा मेकअप। तो अभी मैं पहनूंगी भारी वाली पायल भी पहनूंगी, तो मैंने वो सब ज़्यादा कुछ सूट नहीं किया कि उनको ना अच्छा नहीं लगता ना, यहाँ पे जिया जी आए हुए थे और ये भांजा थे, तो मेरा ये एक ही रूम है तो फिर अच्छा नहीं लगता है यहाँ पर इतना ज़्यादा बार बार हर चीज़ का वीडियो शूट करने का मन भी नहीं कर रहा था मेरा, तो बस सिंपल सा ही वीडियो बनाया, तो बहुत कम ही मैंने कैप्चर किया है इसके अंदर, लेकिन जो भी किया है सब लोग आप जो भी किया है जितना भी किया है मैं आप लोगों के साथ सब शेयर कर रही हूँ, तो बस एक पैर में लग गया दूसरे पैर में लगा रही हूँ, बस इतना ही कुछ है, थोड़ा सा मेरा लुक है फाइनल लुक देख लीजिए, मैं रेडी हो गई। यहाँ पर मैं बाल में वो यहाँ पर चुन्नी में पिन लगा रही थी, बाल वाल तो मैंने बना लिया था, बस यही है मेरा फाइनल मेकअप लुक, तो आप लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ, कैसे लग रही है मेरी साड़ी, कैसा लग रहा है मेरा मेकअप, तो बस फ्रेंड बस आप लोग ऐसे सपोर्ट बना के रखिए, मैं चाह रही हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि ऊपर से दो तीन बार बुलाने आ गया है बाबू, पूजा का जितना भी सामान था सारा मैंने ऊपर रखवा दिया है, बस मुझे ही जाना रह गया है, तो मैं यहाँ पर साड़ी में किचन में पहनने आई हूँ, क्योंकि वहाँ पर मतलब जीजा जी थे ना इसलिए, तो बस हो गई मैं रेडी और ये है मेरा फाइनल लुक, तभी दिखाती हूँ थोड़ा सा नीचे से भी साड़ी, ये देखिए, मिलती है अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।